मैं अखंड प्रताप अपने जीवनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कितने संघर्ष के बाद अपना सब ये सब घर और गाड़ियाँ सब बनाया है। आपको लगता होगा बहुत ही ऐश में जी रहे होंगे और बहुत ही मैं आराम से इनको सब कुछ मिला होगा, लेकिन मैं आपको अपनी जीवनी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, इतनी गंदी किस्मत किसी की नहीं होगी। मैंने किस किस तरह से अपने जीवन को बनाया है, बहुत संघर्षों के बाद ये मेरा सपने कुछ पूरे हुए हैं। आप लोग को ये अपने बारे में बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा। मैं बचपन में अपने इकलौते माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और मेरी तीन बहनें थीं, मैं इकलौता भाई था। मुझे बहुत लाड़ प्यार भी मिला है, लेकिन जब मैंने अपना पढ़ाई का जीवन शुरू किया तो उसके बाद मैंने पढ़ाई में इतना कोई ख़राब भी नहीं था, लेकिन मैं अपने पढ़ाई करते हुए हाई स्कूल में जब मैं पहुंचा तो मेरा रिजल्ट बदलत हो गया और इसके बाद मैं फिर दोबारा मैंने पेपर दिया, उसके बावजूद नहीं हुआ। बड़े संघर्षों के बाद मैंने अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन मैंने संघर्षों के बाद हाई स्कूल तो कर लिया, किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं जब हाई स्कूल कर लिया तो मैंने सोचा कि आगे मैं इंटर की पढ़ाई भी करूँगा। मैं यहाँ से पढ़ाई के लिए फार्म भरने एग्ज़ाम के लिए गया हाई इंटर के लिए। वहाँ पर जब मैंने मार्कशीट अपनी जमा की तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर बोला कि आपका उम्र क्या है। मैंने अपनी उम्र 4 7 67 बताई, जिस पर कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी जो एज है वही मैं बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ये मार्कशीट देखिए, इस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 7 63 लिखी हुई है, अब बताइए 4 सालों का अंतर, उनका आप इसका एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो इसके बाद मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, यहाँ से सारे फार्म कागज़ इकट्ठा करके इलाहाबाद भी गया। इलाहाबाद में उन लोगों ने कहा कि मेरा ओरिजिनल पेपर लेंगे। मैंने मना किया कि ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट पेपर ले लीजिए मार्कशीट, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये ओरिजिनल जमा होगी तभी आगे कार्रवाई हो मिल पाएगी आपको। मैंने उनको ओरिजिनल मार्कशीट दे दिया, शुक्र हुआ मैंने फोटोकॉपी अपने पास रखा। मेरी ज़िंदगी ने क्या देखी, किस्मत ने कमाल किया, मुझे आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं मैं पढ़ सका, जिसकी वजह से वो पेपर आज तक नहीं बन पाया। कई बार हमारे माँ बाप हमने कोशिश किया वहाँ पर, लेकिन आज तक मुझे इलाहाबाद से मार्कशीट नहीं मिली। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ठीक है, मेरे पास डुप्लीकेट है, मैंने हाई स्कूल पास किया। इसके बाद मेरा मन बहुत ही खिन्न हो गया और मैंने कहा कि ठीक है, जिस काम के लिए मुझे ज़िंदगी में पढ़ाई करनी है तो मैं पैसे ही कमाना है, मुझे जीवन में कुछ बन दिखाना है, तो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ उसको मैंने शुरू किया। मैं यहीं मेरे जीके कॉलोनी में एक श्रीवास्तव करके हमारे जान पहचान थे, उनकी बल्ब की फैक्ट्री थी, जिसमें मैंने अपने आपको वहाँ नौकरी पर काम किया। उस समय आप लोग नहीं समझेंगे, मैंने 4 रुपए की 8 घंटे के रेट से ड्यूटी करता था,
इस तरह से वहाँ पर मैंने 25 रुपए तक मैं आया, 10 सालों वहाँ नौकरी किया। उस संघर्ष को अगर आप लोग देख लेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में एक इकलौता लड़का इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन इस बात को कोई सच्चाई नहीं मानेगा। हाँ, अगल बगल के जो भी लड़के थे उन्होंने देखा है। अब अगले एपिसोड में आपको मैं अपनी जीवनी का आधा भाग बताऊंगा। कृपया आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद।